hello students today we see the topic that is transmission mode in that transmission mode has a three types first it is simplex system second it is half duplex system third one it is full duplex system okay in that there is टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देयर आर टू टाइप्स दैट इज सिंप्लेक्स्टिंग दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल में सिर्फ क्या कर सकता है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है रिसीव रिसीवर एज अ ट्रांसमीटर काम नहीं कर सकता है ठीक है उसके बाद में है सेकेंड इट इज़ डुप्लेक्स सिस्टम ये क्या करता है इट इज़ डायरेक्शनल मीस ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है और रिसीवर ट्रांसमिट भी कर सकता है और ट्रांसमीटर रिसीव भी कर सकता है ठीक है तो ये हो गया डायरेक्शनल इसके भी दो टाइप्स है इट इज़ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम एंड फुल डुप्लेक्स सिस्टम तो डिटेल में देखने वाले लेक्चर में हम लोग कि सिस्टम ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं उसके बाद में उसकी ब्लॉक डायग्राम और एग्जाम्पल देखेंगे डिटेल्स में ठीक है तो नेक्स्ट वी सी द ट्रांसमिशन मोड्स ब्लॉक डायग्राम्स वी सी द थ्री ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड That is first one it is simplex system. In that simplex system we see one transmitter is used and one receiver is used. Okay, but the communication will only one single direction. Okay means क्या होता है transmitter सिर्फ क्या कर सकता है receiver को signal send कर सकता है receiver का काम क्या है सिर्फ receive करेगा और transmitter सिर्फ ट्रांसमिट करेगा ठीक है उसका एग्जाम्पल है टीवी ब्रॉडकास्टिंग तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है जो भी सिग्नल आता है सैटेलाइट से अपने टीवी पे तो क्या होता है सिर्फ वो ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट सिग्नल और टीवी जो है वो अपना रिसीव करता है ठीक है तो ये हो गया अपना टीवी ब्रॉडकास्टिंग उसके बाद में सेकेंड टाइप है हाफ डुप्लेक्स सिस्टम तो हाफ़ डुप्लेक्स सिस्टम में भी सेम है ट्रांसमीटर ब्लॉक है और रिसीवर ब्लॉक है बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है रिसीवर को वो रिसीवर रिसीव receive करता है और रिसीवर भी क्या कर सकता है सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है ट्रांसमीटर को ठीक है लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या साइमल्टेनियसली नहीं होती मीन्स जब ट्रांसमीटर सिग्नल भेजता है रिसीवर को तब रिसीवर कोई भी सिग्नल नहीं भेज सकता वैसे ही रिसीवर जब ट्रांसमीटर को सिग्नल भेजता है तब ट्रांसमीटर कोई भी सिग्नल नहीं भेज सकता तो उसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी आप लोगों ने देखा होगा पुलिस के पास होता है उस उसमें क्या होता है कि अगर एक पोलिस ए पर्सन अगर बात कर रहा हो तो जब तक ए पर्सन की बात खत्म नहीं हो जाए तब तक बी पर्सन जो है उसको रिप्लाई नहीं दे सकता है ठीक है तो ये है वॉकी टॉकी तो जब इसमें क्या होता है साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता लास्ट है अपना फुल डुप्लेक्स सिस्टीम फुल डुप्लेक्स सिस्टम में क्या होता है देखो ब्लॉक डायग्राम ट्रांसमीटर और रिसीवर है और सेकेंड भी ट्रांसमीटर रिसीवर है मीन्स क्या है ट्रांस जो फर्स्ट uh, ब्लॉक है एज अ ट्रांसमीटर भी काम करता है और रिसीवर भी काम करता है और जो सेकेंड ब्लॉक है वो भी एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर काम करता है इसी को ही बोलते हैं ट्रांस रिसीवर ठीक है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है मीन्स ट्रांसमीटर ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है वैसे ही सेकंड जो है रिसीवर वो रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है तो उसका एग्जाम्पल मैंने बताया देखो टेलीफोन सिस्टम आपने देखा होगा टेलीफोन तो उसमें क्या होता है अगर ए पर्सन बात कर रहा है तो हम लोग जो है दूसरा पर्सन भी बात कर सकता है मीस एट ए टाइम उस पर क्या कर सकते हैं दो जन बात कर सकते हैं अभी तो जो है कॉन्फ्रेंस कॉल का जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल का भी उसमें फंक्शन आ गया है उसके वजह से बहुत जन जो है एट ए टाइम बात कर सकते हैं तो वो किस में आता है इट इज़ फुल डुप्लेक्स सिस्टम ठीक है उसके बाद में जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हम लोग वन बाय वन जो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देखा है वही देखने वाले हैं तो नेक्स्ट देखेंगे सो so नेक्स्ट है अपना सिम्प्लेक्स्ट सिंप्लेक्स सिस्टम ठीक है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में देखा है सिर्फ उसके जो पॉइंट है वो देख लेंगे हम लोग ठीक तो है तो फर्स्ट पॉइंट देखो फर्स्ट पॉइंट है इन दिस सिस्टम द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन फॉर एग्जांपल द रेडियो और टीवी वी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कैन ओनली ट्रांसमिट एंड दे कैन नॉट रिसीव ठीक है ऑलरेडी ये हम लोगों ने देख लिया है उसके बाद में सेकेंड पॉइंट देखो अनादर एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय टेलीमेट्री सिस्टम ऑफ सैटेलाइट टू द अर्थ मीन्स जो भी सैटेलाइट क्या करता है सिग्नल ट्रांसमिट करता है अर्थ के इस पे जो भी सिस्टम है उसको भी सिंप्लेक्स uh, कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है पॉइंट देखो द टेलीमेट्री सिस्टम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेटस ऑफ द सैटेलाइट सच एज इट्स पोजिशन और टेम्परेचर मीन्स जो सैटेलाइट है वो हम लोगों को जो है पोजीशन की इंफॉर्मेशन देती है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ठीक है उसके बाद में डायग्राम में भी देख लो डायग्राम में देखो ये जो एंटीना है वो एज अ ट्रांसमिटिंग एंटीना करके काम करता है एज अ ट्रांसमीटर मीन जो भी सैटेलाइट है ठीक है उसके जो सिग्नल है वो कहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ टीवी जो रहते हैं अपने घर पे ठीक है वो वहाँ पे रिसीव होते हैं तो यहाँ पे देखो दिया है रिसीवर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सैटेलाइट क्या करता है सिग्नल सिर्फ ट्रांसमिट करता है और जो टीवी है वो क्या करता है सिर्फ रिसीव करता है ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना मींस दैट इज हाफ डुप्लेक्स सिस्टम दिज आर द पॉइंट्स ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम सी द फर्स्ट पॉइंट दिस सिस्टम आर बाय डायरेक्शनल दे कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव बट नॉट साइमल्टेनियसली ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है ये ठीक है उसके बाद में सेकेंड पॉइंट देख लो एट ए टाइम दिस सिस्टम कैन ट्रांसमी कैन आर ट्रांसमीट और रिसीव फॉर एग्जाम्पल ट्रांस रिसीवर वॉकी टॉक सेट यह भी हो गया है ठीक है मीन्स क्या करता है सिर्फ एट ए टाइम ट्रांसमीटर का काम कर सकता है या फिर रिसीवर का, का काम कर सकता है उसके बाद में थर्ड पॉइंट देख लो द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन विल कीप चिंग इट्स सेल्फ मींस जो कम्युनिकेशन की डायरेक्शन है वो चेंज करता है अपने आप उसके बाद में द रेडियो कम्युनिकेशन सच एज दोज यूज इन मिलिट्री फायर फाइटिंग सिटीजन बैंड एंड इमेट्योर रेडियो आर हाफ डुप्लेक्स सिस्टम अभी ये सब जो डिवाइसेस है ये मिलिट्री में यूज़ करते हैं तो जो है ये सिस्टम फुल्ली सिक्योर रहते हैं ठीक है और ये सब किसके लिए यूज करते हैं यूज फॉर हाफ डुप्लेक्स सिस्टम वर्क ऑन हाफ डुप्लेक्स सिस्टीम ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट आज का टॉपिक है अपना दैट इज अ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स सिस्टम ठीक है उसके दो नाम हैं तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है देखो दीज आर ट्रूली बाय डायरेक्शनल सिस्टम एज दे अलाउ द कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस इन बो द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली ऑलरेडी बताया मैंने कि ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है बाय डायरेक्शनल होता है और साइमल्टेनियसली होता है उसके बाद में सेकेंड पॉइंट भी देख लो दिस सिस्टम कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव साइमल्टेनियसली दिस सिस्टम क्या करता है एट ए टाइम ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने टेलीफोन सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट देख लो द मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम हाउ एवर आर द डुप्लेक्स इन नेचर मीन्स जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं डुप्लेक्स इन नेचर होते हैं मीन्स डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होते हैं फुल डुप्लेक्स सिस्टम ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ द टेलीफोन सिस्टम ठीक है ये ब्लॉक डायग्राम भी हम लोगों ने जो है पहले ही स्टडी कर ली है ठीक है तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया है थैंक uh, यू